वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया। सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कन्फर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा। ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्थिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्थिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चथिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रा के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़, जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है, और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है, एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला, और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी, या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रा के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़, जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया। सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा। ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्थिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रा के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्थिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्थिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़, जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं, तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं, तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चथिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चथिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में और आप लोगों को ये मरे चिसेवा ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है, और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है, एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला, और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रा के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया। सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी परसेंटेज मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा। ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं। हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रा के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़, जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिस्सेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चथिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चथिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं, जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई, विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़, जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है, यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। वेल तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में, तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नत्चत्तिरम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला, और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा, ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है। और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूँ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया। तो जी कहाँ हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जिनको विक्रम की मूवीज़ देखना पसंद हैं? हाँ भाई विक्रम की मूवी आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं की एक मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग उन्हीं के फ़ैन हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मूवीज़ देखना पसंद है, तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड की जाएंगी उस सरप्राइज़ के बारे में। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नेम जी आप लोगों के सामने लिया गया है और उसका नेम है जी ध्रुवा नत्चत्तिरम। और ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नहीं देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी ध्रुवा नक्षत्रम के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस मूवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो गौतम वासुदेव मेनन ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है एंड बहुत अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट भी की गई है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, IMDb रेटिंग क्या है, कास्टिंग को किसने संभाला और डायरेक्शन को तो यहाँ पर वासुदेव ने ऑब्वियसली हैंडल किया ही है। यहाँ पर जो है वो गौतम वासुदेव मेनन ने डायरेक्शन को हैंडल किया, लेकिन क्या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी या ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मूवी डायरेक्ट की थी, क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को गौतम वासुदेव ने हैंडल किया, जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं मिन्नाले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जिस तरह से रहना है तेरे दिल में, और आप लोगों को ये मरे चिसेवा ये नाई, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने दी हैं। जोशुआ दी है और भी काफ़ी सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, जो कि हाँ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। कुछ रोमांटिक हैं तो कुछ थ्रिलर हैं, कुछ हॉरर हैं तो कुछ एक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड करता हूं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम किया करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने % तक लाइक किया गया, क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, हमें इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ड्रामा होगा नहीं होगा, थ्रिल होगा नहीं होगा, क्या सीन है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई इस मूवी का ना ही इसकी IMDb रेटिंग को कंफर्म किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिलना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी IMDb रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से भी % मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी IMDb रेटिंग है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानिब से कोई भी % मिल रही है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस क्या करने को मिलेगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, थ्रिल होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रामा और थ्रिल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम भाई हैं, तो हाँ भाई आप लोगों को भरपूर अंदाज में एक्शन तो फिर देखने को मिलेगा ही, और वो भी काफ़ी आउट क्लास का। और ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे से ये एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनके एक्शन के जो लोग लवर हैं उनको तो ये डेफिनेटली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी के अंदर हमें भरपूर अंदाज में एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ रोमांटिक एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आई थिंक आप लोग एक चांस दे सकते हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी के अंदर आप लोगों को और क्या क्या कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ गाने सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने को मिलते हैं। और अगर हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को निकाल दें तो हाँ तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ही इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसे रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं, तो अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी इसकी रिलीज़ डेट को भी कंफर्म किया